भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में उनमें कुछ समझता भी नहीं जब उनका मन हो कर ले दो दो हाथ पीछे हटने वाला नहीं तैयारी हूँ मैं आप चिंता मत करूँ मैं तो चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर तो मुझे वैसे ही गठबंधन रखना नहीं और अगर उनको जरूरत नहीं है तो मैं किसान बिलों को लेकर वैसे भी नाराज़ हूँ लेकिन वे पैदा करना कि धारा एक लगा दें ताकि लोग प्रचार करना बंद करें पहले उसको पता है कि वापस आना नहीं बेटा हार गया जोधपुर में दुकानदारी बंद हो गई और अब जाना है तो जाना है तो पूरी कांग्रेस को मटिया मैच करके और खत्म करके जाना चाहते हैं हमारे साथ है नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जो रात को दो बजे तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं इनका पंचायत के चुनाव में पहली बार ही अपनी पार्टी का जो है परचम लहराने की तैयारी कर रहे हैं आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से तैयारी की है और किस तरह से परिणाम आने वाले हैं क्योंकि रात दो बजे तक या तीन बजे तक कई जगह देखा है ये चुनाव प्रचार में बिजी है क्या परिणाम आने वाले और किस तरह से तैयारी है देखिए 21 ज़िलों में जो प्रथम चरण का चुनाव है मंडल और जिला परिषदों का इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 18 ज़िलों के अंदर चुनाव लड़ रही है और दो तीन जिलों के अंदर शायद जिला परिषद के उम्मीदवार कम हैं बाकी हर पंचायत समिति में करीब करीब ज़िलों में और प्रमुख जो जिले हैं जहाँ आर के बिना नहीं तो प्रमुख बनेगा या प्रमुख में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी नागौर बाड़मेर बीकानेर सीकर ये बहुत ज़िले हैं जहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बहुत बड़ा वर्चस्व है जिला परिषद वार्डों के अंदर मंडलों में रहेगा और तमाम ज़िले जो दूसरे भी हैं चित्तौड़ भीलवाड़ा अजमेर टोंक यहाँ भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जितनी टिकट हमने बांटी वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करा इन चुनाव के अंदर कहीं ये नहीं लगता कि कहीं आप टिकट बांटने में लेट हो गए देखिए शुरुआत थी पहली बात तो कि जब पंचानवे के अंदर इस सिंबल का सिस्टम शुरू हुआ राजस्थान के अंदर उसके बाद 25 साल में न तो किसी पार्टी ने इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ा और न किसी दिन शुरुआत की प्रयास हमने पूरा किया था लोग कांग्रेस और भाजपा के पीछे भाग रहे थे परिवर्तन की शुरुआत थी और इसके अंदर हम कामयाब हुए निश्चित रूप से अच्छी शुरुआत थी बारह जिले जो सेकेंड राउंड के अंदर है उनमें मुझे लग रहा कि नाइन्टी टिकट बंटेंगे पूरे टिकट तो बीजेपी और कांग्रेस से भी नहीं बटे राजस्थान के अंदर खूब तादाद में निर्दलीय भी जीतेंगे दूसरे दल भी हैं लेकिन आर एल पी ने प्रदेश के प्रत्येक कोने के अंदर अपना परचम ले रहा है और जब रिजल्ट आएंगे उस दिन लगेगा मैंने भी हर जिले के अंदर प्रयास किया राष्ट्रीय लोकतंत्र लोकतांत्रिक पार्टी को वोट की अपील करी प्रत्याशियों के समर्थन में और सुबह चार चार बजे तक साढ़े चार चार बजे तक एक दिन तो सुबह पाँच बजे तक कार्य कार्यक्रमों के अंदर रहा मैं वोट की अपील करता और लोग सुबह पाँच बजे तक इंतजार करते रहे बड़ा परिवर्तन तेईस के अंदर राजस्थान में होगा और इसकी शुरुआत इन पंचायत चुनाव से होगी कांग्रेस तो पहले से ही आपसे नाराज थी अब आप आपकी पटरी भी नहीं बैठ रही थी अब भारतीय जनता पार्टी भी आपसे लगता है कि दो दो हाथ की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मैं कुछ समझता भी नहीं और रही दिल्ली की बात तो गठबंधन हुआ था उस समय ढाई तीन लाख वोट बीजेपी ने मुझे दिए होंगे और तीस लाख हमने दिलाए बीजेपी को राजस्थान के अंदर दो दो हाथ की तैयारी में तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं तैयारी हूँ मैं आप चिंता मत करो मैं तो चाहता ही हूँ कि राजस्थान के अंदर तो मुझे वैसे ही गठबंधन रखना नहीं और अगर उनको जरूरत नहीं तो मैं किसान बिलों को लेकर वैसे भी नाराज़ हूँ जब उनका मन हो कर ले दो दो हाथ कोरोना को लेकर यू लग रहा है कि राजस्थान सरकार ने जिस तरह से धारा एक लागू की है चुनाव भी चल रहा है शादियों को लेकर ही एक जो इनकी सोच है उसको लेकर धारा एक लागू एक ही कारण से किए कि राजस्थान का जवान उठ खड़ा हुआ हमारी जो रैलियां हो रही है चुनाव प्रचार के दौरान उन रैलियों से मैसेज सीएम तक गया कि वसुंधरा गहलोत गठबंधन की धजियाँ उड़ रही है हर जगह नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे तो धारा एक आरएलपी के प्रति जो नौजवानों का रुझान इसके अंदर रहा उसी के कारण धारा एक सौ इनको कोविड से कोई मतलब नहीं धारा एक पहले भी लगा सकते थे कोरोना के केस तो रोज आ रहे हैं राजस्थान के अंदर बढ़ रहे हैं लेकिन बे पैदा करना कि धारा एक लगा दें ताकि लोग प्रचार करना बंद कर दें और और अभी आज और कल मैं देख रहा था किस तरह शादियों में जाके पच्चीस हज़ार का जुर्माना करें कहीं पचास हज़ार करें तो एक दुकान है राजस्थान में खोल दी गहलोत को पता है कि वापस आना नहीं बेटा हार गया जोधपुर में दुकानदारी बंद हो गई और अब जाना है तो जाना है तो पूरी कांग्रेस को मटिया मेट करके और ख़त्म करके ही जाना चाहते हैं यहाँ से मांगलिक कार्यों से जुड़े हुए ऐसे अनेक व्यवसायी है जो पहले से बर्बाद हो चुके कोरोना काल में अब जिस तरह से ये सिर्फ मांगलिक कार्य जैसे शादियों में एक बंधन है बाकी कहीं भी कोई बंधन नहीं इसको लेकर आप क्या कहेंगे क्या है सोच सरकार के? मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक सौ की आवश्यकता ही नहीं है लोग इतने जागरूक है खुद सारी बातें समझते हैं सरकार की फालतू तो की पंचायत एक सौ लगा दो हटा दो कौन मानता है एक सौ को हम करें ना प्रचार माने तो नहीं एक रोज तोड़ रहे हैं क्या कर लिया सरकार ने हमारा पहले हमारा कुछ करना चाहिए ना हम एक रोज तोड़ रहे हैं पहले हमें रोके और उसके बाद शादियों को रोके ये थे हनुमान बेनीवाल जिनका कहना है कि वे जिस तरह से अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं उसको देख कर ऐसा लगता है कि ये जो शुरुआत है ये 2023 में रंग लाएगी और 2023 के जो विधानसभा के चुनाव है वो नया इतिहास लिखेंगे और नई इबारत लिखेंगे सहयोगी समीर के साथ हनीफ खान राजस्थान तक